नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चहल आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल चहल ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप फोटो से देख ही रहोगे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की मेरे चैनल पर बहुत ज़बरदस्त वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। स्पोर्ट्स का इंडिया के अंदर बहुत ही महत्व है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इंडिया के टॉप 10 लार्जेस्ट स्टेडियम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 10 स्टेडियम की, जो कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, जो अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और जिसकी कैपेसिटी 48,000 है। अगर ये 1883 में इस्टेब्लिश हुआ था ये स्टेडियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेडियम नंबर 9, जो कि M.H. चिदंबरम चेन्नई स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 50,000 है। चेन्नई का ये स्टेडियम है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़बरदस्त ये स्टेडियम है, क्रिकेट के लिए बहुत ही बेस्ट स्टेडियम है ये। उसके बाद अगर 8 नंबर स्टेडियम की बात करते हैं तो आ जाता है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में है और जिसकी कैपेसिटी 55,000 है। क्रिकेट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट स्टेडियम माना जाता है। उसके बाद नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो DY पाटिल स्टेडियम, इस स्टेडियम की कैपेसिटी भी 55,000 है और ये फुटबॉल, क्रिकेट और अदर ओलंपिक गेम्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट स्टेडियम है। यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज है, टेनिस वगैरह की भी फैसिलिटीज है और स्विमिंग पूल है, ओलंपिक गेम्स के लिए भी फेस्ट है। उसके बाद नंबर 6 स्टेडियम की बात करें तो EMS स्टेडियम कोझिकोड़े केरला के अंदर ये स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 60,000 है। वेमेंस और नेहरू कप यहाँ पर अच्छे से हुए थे, बहुत बड़ा है, फुटबॉल के हिसाब से भी बहुत बेस्ट है, अदर गेम्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे से खेले जाते हैं। उसके बाद अगर हम 5 नंबर स्टेडियम की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 60,000 है। ये भी मल्टीपर्पज स्टेडियम है, कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर हुए थे तो बहुत ही बड़ा था और ओलंपिक जो गेम है उनके लिए भी बेस्ट स्टेडियम है। उसके बाद 4th नंबर स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो रायपुर क्रिकेट स्टेडियम, जो कि 2008 में इनॉग्रेट हुआ था, जिसकी कैपेसिटी 65,000 है और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए ये स्टेडियम एक तरह से सेकेंड होम ग्राउंड स्टेडियम माना जाता है। उसके बाद अगर हम नंबर स्टेडियम तो 3 नंबर स्टेडियम की बात करते हैं, जो ईडन गार्डन स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 68,000 है और सौरव गांगुली ने पहला और आखिरी सेंचुरी इसी स्टेडियम के अंदर लगाई थी और हरभजन सर ने हैट्रिक यहां पर ली थी। उसके बाद नंबर 2 स्टेडियम की बात करें तो साल्ट लेक सिटी स्टेडियम कोलकाता का, जो कि फुटबॉल लवर्स के लिए सबसे बेस्ट स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 85,000 है और ये भी मल्टीपर्पज स्टेडियम है, अलग अलग गेम्स यहाँ पर अच्छे से खेले जाते हैं। और नंबर 1 स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसके बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 1,32,000 है। पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसके बाद अभी रिसेंटली उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।